नमस्ते आदाब, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। आज बरोज मंगलवार कोलकाता शहर के मयूरभंज इलाके के हरिजन स्कूल में लिनस क्लब सृष्टि की जानिब से यूटिलिटी एटीएम का एहतमाम किया गया। आपको बता दूं, यूटिलिटी एटीएम यानी हर जरूरत की चीजें जो आपके घर पर अच्छे हाल में पड़ी है और इस्तेमाल नहीं हो रही। तमाम महिलाओं को इसके बारे में आज पूरी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप लोग यूटिलिटी एटीएम के नाम उस छत को बनाने वाले के जोरदार ताली मीरा जी के लिए। वो दिन मैं बहुत मेरे पिता के साथ वो मफिल बदौल मीरा जी ने पहले ही बताया और उसके बनने के बाद भी उन तमाम चीज़ें जैसे कि पुराने कपड़े, क्रॉकरीज, स्कूल बैग्स, फुटवेयर वगैरह वगैरह को मात्र 10 रुपये या 20 रुपये देकर ज़रूरतमंद लोगों को खरीदने का अवसर प्राप्त करवाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में मौजूद थे वार्ड नंबर 75 के काउंसिलर निज़ामुद्दीन सम साहब, वार्ड नंबर 78 की काउंसिलर सोमा दास साहिबा, सोशल एक्टिविस्ट बबलू चौधरी जी और लिनस क्लब सृष्टि की पूरी टीम। आगे वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट। निजाम भाई, क्या कहना चाहेंगे इस तरीके का जो नेक कदम उठाया गया है लोगों को जरूरत के लिए लिनस क्लब सृष्टि द्वारा? लिनस क्लब सृष्टि द्वारा जो ये स्टेप लिया गया है, हम समझते हैं कि अपने आप में एक ये यूनिक कंसेप्ट है और इन लोगों की सोच की जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। और ख़ास करके महिलाओं की ये टीम कलकत्ता शहर के बस्तियों में इस तरह के कंसेप्ट को ले जा रही हैं, इससे बस्ती इलाके में रहने वाले गरीब लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा और ये कंसेप्ट की जितनी भी तारीफ करें हम लोग बहुत कम। महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज के सोसाइटी में महिलाएं, वुमेन, पावर ऑफ वुमेन्स, ये एक ऐसा चीज़ है कि उसके बिना आप चल ही नहीं सकते हैं। समाज का डेवलपमेंट, इलाके का डेवलपमेंट या ज़िंदगी के किसी भी फील्ड में आज अगर महिलाएं आपके साथ हैं तो आपको आगे आने से और डेवलप करने से कोई रोक नहीं सकता है। वार्डे এরকম লাইনাস ক্লাব যে এই প্রোগ্রামটা করছে 1 বছর হয়ে গেল, এটা জেনে আমার খুব ভালো লাগছে। আর গরিব মানুষদের জন্য এরা ভাবছে, নতুন ভাবনা একটা, আর এই ভাবনার মধ্যে দিয়ে অনেক মানুষ উপকৃত হবে। এবং এরা সপ্তাহে একদিন করে এই ক্লাবের এই অনুষ্ঠানটা চালাবে, এটাও শুনলাম, শনিবার করে 2 থেকে 4 পর্যন্ত। তো এনারা যাতে এই অনুষ্ঠানটা ভালোভাবে করতে পারে সেদিকে আমরা দৃষ্টি রাখব এবং এদের যা রিকোয়ারমেন্ট আছে, যা যা আমাদের কাছে চাইছে, আমরা চেষ্টা করব যতটা সম্ভব এদেরকে সাহায্য করার। बबलु जी, जिस तरीके का जो कार्य किया जा रहा है लिनस क्लब सृष्टि के द्वारा, ख़ासतौर पर पिछड़े वर्गों के बीच में आकर के, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, लिनस क्लब सृष्टि के द्वारा जो प्रोग्राम लिया गया है यूटिलिटी एटीएम का, ये इसके लिए हम लोग इस इलाके के होने के नाते, जहां हम पिछड़े वर्ग के लोग, कम से कम 20 से 25 हज़ार हमारी आबादी है यहाँ, और इस इलाके में मेरे ख्याल से शायद ही लायंस क्लब के बाद अगर कोई बढ़ करके हम लोगों के बीच आया और हम लोगों के सहयोग करने के लिए लिनस क्लब ऑफ सृष्टि, उनको हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। रेशमा जी को, सुमन जी को, रश्मि जी को और सुमन जी को, और साथ साथ उनके सभी सहयोगी जितने लोग हैं, क्योंकि इस तरीके की सोच
कि गरीबों के बीच, उन पिछड़ों के बीच पहुंचा जाए और उनको सहायता किया जाए। और जो ये सोच है, इस सोच को हम लोग दाद देते हैं कि हमारे बीच आ करके हम लोगों का सहयोग करने के लिए सोचा, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। एक तरह से जो देखा जा रहा है दलित बस्तियों में जाकर के जिस तरीके से कार्य किया जा रहा है, कितना खुशी महसूस होता आप लोगों को? जी 100% खुशी महसूस होता है, क्योंकि आज के समय में आप देखिएगा कि जो कोई बड़ी बड़ी बातें सारे लोग करते हैं, लेकिन वहाँ तक लोग पहुँचते नहीं। अपने एसी कमरों में बैठ करके बात करने से तो किसी भी की परेशानी को दूर नहीं किया जा सकता, उनके बीच पहुँचना पड़ता है। जो काम लीनस क्लब ऑफ सृष्टि कर रही है कि उनके बीच पहुँच करके, उनके साथ जा करके सहयोग करके, बहुत बड़े अपने आप में एक काम है। इसको हम लोग बहुत पॉजिटिव रूप में देख रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार होता दिख रहा है, या और भी वक्त है? जी बाबा साहब का तो सपना जो था वो दिन पर दिन प्रतिदिन एक न एक रूप में दिखाई दे रहा है कि वो पूरा हो रहा है। और जिसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों के बीच रेशमा जी और साथ में सुमन जी जिस तरीके से अपने क्लब को लेकर के आई हैं, तो हम लोग आशा यही कर रहे हैं कि और भी बड़े रूप में उनके सपनों को साकार हम लोग कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहना चाहूँगी कि यहाँ जो भी सामान दिया जाएगा वो किसी प्लास्टिक के पैकेट में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कपड़े के थैले को बढ़ावा देने के लिए, पॉल्यूशन को, पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक का थैला यहाँ नहीं दिया जाएगा। ये हमारी पूरी कोशिश है। सब शान से ले रहे, पैसा लेके ले रहे हैं, कोई शर्म नहीं, इज्जत से ले रहे हैं कि वाह मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है। और ऐसा उत्सव देखने को मिल रहा, लग रहा है दुर्गा पूजा में लेने के लिए, कपड़े लेने के लिए। ये हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका उद्घाटन आज ही हो रहा है। और इसका मोटिव यही है कि हमारे घर में जो कपड़े यूज़ करने लायक हैं, जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, साइड करके रख दिए, हम चाह रहे हैं कि ज़रूरतमंद लोग इस कपड़े तक, ये जो कपड़े ज़रूरतमंदों तक पहुँचे और वो उसे यूज़ कर पाए। तो इसीलिए हम लोग सारे जो घर के सामान जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं वो हम लोग इकट्ठा करके यहाँ रखे हैं, इसका नाम रखे हैं यूटिलिटी ATM। इसके जरिए वो सामान हम लोग ज़रूरतमंदों तक पहुँचा रहे हैं। पैसा लेने का भी हमारा ये उद्देश्य है कि वो कुछ पैसा देंगे तो उस चीज़ की वैल्यू कर सकेंगे, स्वाभिमान भी रहेगा, स्वाभिमान रहता है और वैल्यू भी कर सकते हैं। पैसा लेने का यही उद्देश्य है, नॉमिनल पैसा लेके उनको स्वाभिमान बना रहेगा कि हमको कोई ऐसे नहीं बांट रहे हैं। मैम ये जो कार्य है और कहाँ कहाँ पर हो रहा है मैम? हमने ये शुरू किया है और अब धीरे धीरे फिर और आगे बढ़ेंगे और करने की चेष्टा करेंगे। एक हमारा अभी चेतला में भी बात चल रही है, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट मंथ तक चेतला में और एक यूटिलिटी ATM खोलने जाएंगे, तो ये भी हमारी चेष्टा चल रही है। देखा जा रहा है तमाम महिलाओं की टीम है, इस पर क्या कहेंगे मैम? महिला सशक्तिकरण को लेकर एक नया, महिला सशक्तिकरण को लेकर हम लोग खुद कुछ नहीं कहना चाहेंगे, ये आपको कहना है कि आप क्या कहोगे। और मैम तमाम अभी के जो नए युवा है, युवा पीढ़ी, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आज देखिए हमारे साथ तो युवा भी काम कर रहे हैं और उम्र वाले भी काम कर रहे हैं, हमारी टीम में हर उम्र के लोग। मैम जो लोग आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम, नहीं हम यही बोलना चाहेंगे, आज हमको घर से इतनी सुविधा मिलती है, इतनी आज़ादी मिलती है, तो ही हम आगे बढ़ के सबकी सेवा कर पा रहे हैं। और घर से ही हमें यदि ये छूट नहीं मिले तो शायद हम इतना आगे नहीं बढ़ पाए। तो हम लोग सबसे पहले तो अपने घर में जो हमारे बुजुर्ग है, जो हमारे साथी है, उनको प्रणाम करना चाहेंगे कि उनके कारण आज हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज का ये प्रोग्राम तो बहुत, हमने ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करने की सोच से ही स्टार्ट किया है। हम चाहते हैं कि जैसे हमारे घरों में क्या होता है ना, कपड़े आते हैं, कोई भी सामान आता है, साइज़ के कारण, कलर के कारण, कोई भी रीज़न से हम या चार बार पहन लिए तो हमारे घर में वो स्टोर होते जाते हैं। अच्छी क्वालिटी होती है, अच्छी चीज़ें होती है, बट हम लोग चाहते हैं कि वो ज़रूरतमंदों को मिले। तो यहाँ हम लोग का ये यूटिलिटी ATM बनाने का उद्देश्य यही है कि सबको कम, एक तो अमाउंट हमने इसलिए रखा है ताकि उनके स्वाभिमान को चोट ना पहुँचे, उनको ये ना लगे कि हमें एक फ्री में मिला है। एक चीज़ की वैल्यू भी बढ़ जाती है कोई भी अगर कुछ एक अमाउंट दे के रखता है, तो हमने बहुत नॉमिनल चार्जेस रखा है, जस्ट 50 रुपये के अंदर में ही सारी चीज़ें होगी। वो हम लोग अब नेक्स्ट सैटरडे ये एक्टिविटी करेंगे, इसमें आज तो जस्ट स्टार्ट हुआ है,
बस यही मैं बोलना, आप लोग सब बढ़ चढ़ के आइए, आप लोग बताइए, फैलाइए ताकि और से और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग के साथ जुड़े। थैंक यू। मैं डिस्ट्रिक्ट शक्ति की सेक्रेटरी विनीता अग्रवाल, मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी विनीता अग्रवाल। यहाँ का जो रोल है वो तो आपको सब बता ही दिया, ये हमारा करीब 1.5 साल पहले से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, बीच में कुछ 6 महीने बंद हो गया था और कोविड के कारण भी बहुत डिस्टर्ब रहा, और ये हमारा परमानेंट प्रोजेक्ट है हरिजन विज्ञान विद्यालय, और यहाँ पे अब ATM खोला जा रहा है। तो अब देखिए इस मोहल्ले के लोगों को फ़ायदा होने वाला है, मोहल्ले के साथ साथ अगल बगल वाले लोगों को भी फ़ायदा मिले। ATM में क्या क्या चीज़ें मैम मतलब प्राप्त की जाएगी? घर की सारी चीज़ें, चाहे वो कपड़े हों, चाहे बच्चों के खिलौने हों, पुरानी किताबें हों, मतलब घर की जो भी सामान है, हमारे बर्तन हैं, जो भी हम ऐसे ज़रूरतमंदों को तक पहुंचा सकें। आज क्या क्या चीज़ें मैम दी जा रही हैं? आज यहाँ पे जनरली हम लोग कपड़े का ही आज किए हैं, क्योंकि आज काफ़ी भीड़ है, क्रॉकरी बैग, स्कूल बैग वगैरह है, और बच्चों के लिए दूध का व्यवस्था किया गया है, दूध का शरबत बना के पिलाया जा रहा है बच्चों को। इस तरह की एक्टिविटी हमारी प्रेसिडेंट रश्मि जी हमेशा करती रहेंगी। वीक में एक दिन होगा, शनिवार को जैसा बताया गया कि 2 से 4 बजे होगा, और ये परमानेंट प्रोजेक्ट है तो हमेशा चलते रहेगा, भगवान करे ये युगों तक चलता रहे। स्किन ग्लोव्स इन टू वेज, ए यूजिंग फिल्टर्स और बी वाटर। बहामास, फील द फ्रेशनेस ऑफ वाटर ऑल ओवर अगेन। बहुत अच्छा लगता है जब कोई परेशानी लेकर खुशियाँ बांटे। उसी तरीके से आया है अक्की कंप्यूटर्स, आपके पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर को लेकर के। वी कैन गिव यू द फ्रेश वन और यू कैन बाय द सेकेंड हैंड बजट फ्रेंडली कंप्यूटर्स फ्रॉम अक्की कंप्यूटर्स, जहां आपको सिर्फ लैपटॉप या यूज कंप्यूटर्स ही नहीं, उनके पार्ट्स और बहुत सारे वैरायटीज भी मिलेंगे। प्लीज विजिट अक्की कंप्यूटर्स एज सून। अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए।